मुझे कॉल किया और उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, इतनी अभद्र तरीके से बात किया कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। मैं कुछ समय के लिए अल्ट्रासाउंड अपने नर्सिंग होम में लेके जा रहा हूँ। वो तो मुझे उस समय जो है कि धमकाने का प्रयास किया। इसका लाइसेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है, तो ये उनके साथ भी गलत है। मजिस्ट्रेट का बात का अवहेलना किया गया है और एक डॉक्टर के साथ में चीटिंग किया गया है। मेरा नर्सिंग होम जो कि हम लोग ऑन कॉल पे जाते हैं, हम लोग का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और जब हम आज गए आज 1/2/2023 को 1 बजे दिन में, तो मुझे बुलाया गया कि ओपीडी पेशेंट था, हम ऑन कॉल पे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने अल्ट्रासाउंड लिखा तो उस पर देखा, अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गया जो कि वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ था, कोई और भी लड़का बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो उन्होंने मनोहर के बारे में बताया कि हमको मनोहर ने यहाँ पर रखा है, आप मनोहर से बात कर लीजिए। उसका बात करने का भी तरीका बहुत अभद्र तरीके से था, एक डॉक्टर से कैसे बात करना चाहिए इस बारे में वो नहीं जानता है। जब वहाँ से मैं निकला तो उनका जो संचालक है मीरा नर्सिंग होम का, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि फ़ोन पे दूरभाष के द्वारा इतनी अभद्र तरीके से बात किया कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा है। तो इसी दरमियान मैंने कटिहार CS को अपना एप्लीकेशन लिख करके दिया कि मैं अपना यहाँ से जो है कि अपना समय देना बंद करता हूँ, ठीक है, और जो भी इनका रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। और अल्ट्रासाउंड के बारे में जो है कि ये कहा, मेरे साथ जो है कि मेरे डॉक्टर हैं जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे ये कमिटमेंट था कि जो जहाँ के लिए हम जो है कि आपको अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं आप वहीं चलाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका एग्रीमेंट पेपर है वहीं पे आप अल्ट्रासाउंड चलाएंगे। उनको अल्ट्रासाउंड जो है कि नर्सिंग होम के अंदर नहीं चलाना है, इस बात का इन्फॉर्मेशन उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिया, रेडियोलॉजिस्ट जो है उनको देना चाहिए था उनको कि मैं कुछ समय के लिए अल्ट्रासाउंड अपने नर्सिंग होम में लेके जा रहा हूँ, वो इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जब इस बात को मैंने दूरभाष के द्वारा पूछा तो वो मुझे उस समय जो है कि धमकाने का प्रयास किया, और मैंने उनको कहा कि इस तरह करके नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक डॉक्टर के साथ गलत हो रहा है और एक मजिस्ट्रेट आपको ये अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है रजिस्ट्रेशन करके दिया है, इसका लाइसेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है, तो ये उनके साथ भी गलत है। एक मजिस्ट्रेट का बात का अवहेलना किया गया है और एक डॉक्टर के साथ में चीटिंग किया गया है, तो इस पे जो है कि एक उचित कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके बारे में आवेदन दिया हूँ अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को, तो जो भी उचित जांच हो करके उचित कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर में। तो सर ये अवैध चल रहा है क्या? ये अवैध नहीं चल रहा है, लेकिन गलत तरीके से चलाया जा रहा है। एक टेक्नीशियन जो है कि जो होना चाहिए था वो टेक्नीशियन उसका अल्ट्रासाउंड करेगा तो वो रिपोर्ट एक जेन्युइन रिपोर्ट होगा जिसपे कि हम लोग इलाज करेंगे। अगर कोई आम आदमी उसको बैठ करके चलाएगा तो क्या रिपोर्ट देगा, आप भी समझ सकते हैं। तो एक डॉक्टर जो है कि किस आधार पे उसका ट्रीटमेंट करेगा, गलत रिपोर्ट पे गलत ट्रीटमेंट होगा, ये तो उसके ऊपर जाएगा ना, एक डॉक्टर के ऊपर चला जाएगा। ऐसे सर कितना अल्ट्रासाउंड चल रहा है बाहर से? बहुत सारा अवैध है, बहुत सारा है। अगर इसका छानबीन किया जाए तो बहुत सारा अवैध है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा